सरकार ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि सुनने वाले हैरान रह गए। सरकार ने संसद में बताया कि देश के 209 जिले ऐसे हैं जहां लोग ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें खतरनाक केमिकल और मेटल घुले हुए हैं, ऐसे मेटल जो इंसान को कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। और ये बात किसी सर्वे में सामने नहीं आई, ना ही किसी एजेंसी ने ऐसा दावा किया है, बल्कि केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने ये जानकारी देश की संसद में दी है। मतलब ये कि 209 जिलों के लोग जहर जैसा पानी पी रहे हैं, ऐसा पानी पी रहे हैं जो उन्हें धीरे धीरे बेहद बीमार बना सकता है। यानी फिट रहने के लिए जिम जाना, कसरत करना, दौड़ना, योगासन करना या दूसरा कोई भी काम करना काफी नहीं है। गंभीर से गंभीर बीमारियां इंसान को केवल पानी पीने की वजह से चपेट में ले सकती हैं। तंदुरुस्त रहने के लिए दूध, फल और हरी सब्जियां खाने के बावजूद इन 209 जिलों में लोग कैंसर तक के शिकार हो सकते हैं। दुनिया का हर डॉक्टर फिट रहने के लिए 5 लीटर पानी रोजाना पीने की सलाह देता है, लेकिन 5 लीटर पानी के साथ इन 209 जिलों के लोग कितने मेटल शरीर में पहुंचा सकते हैं इसका अंदाजा भी लगाना आसान नहीं है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन सरकार का संसद में दिया जवाब साफ करता है कि 209 जिलों में जल ही जीवन छीनने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि सरकार ने बाकायदा ये बताया कि दूषित पानी में कौन कौन से मेटल मिले हैं और ये सभी कैसे केमिकल हैं जो इंसान को गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं। सबसे पहला केमिकल है आर्सेनिक। 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 209 जिलों में अंडरग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे के पानी में आर्सेनिक मिला है। 18 राज्यों के 152 जिलों में ग्राउंड वाटर में यूरेनियम मिलने की जानकारी सामने आई है। ये सभी वो केमिकल हैं जो तय मानक से कहीं ज्यादा मात्रा में पानी में पाए गए हैं। लेड यानी सीमा 21 राज्यों के 176 जिलों में जमीन के अंदर के पानी में पाया गया है। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 491 जिलों के अंडरग्राउंड वाटर में लोहा पाया गया है। वहीं लोहा जो घर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सरिये बनाए जाते हैं, वो आयरन इन 491 जिलों के पानी में मिला है। और ये सभी वो केमिकल बताए जा रहे हैं जो तय मानकों से कहीं ज्यादा मात्रा में पाए गए हैं। 11 राज्यों के 29 जिलों में कैडमियम पाया गया है, जबकि 16 राज्यों के 62 जिले ऐसे हैं जहां के अंडरग्राउंड वाटर में क्रोमियम जैसा मेटल मिलने की बात सामने आई है। और ये सभी वो मेटल हैं जो इंसान को बीमार बनाने के लिए काफी हैं। इन सभी केमिकल से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं ये भी हम बताएंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि सरकार ने इसके लिए किसे जिम्मेदार बताया। गुजरते हैं खर्चे के और जिंदगी के, कई लोग तो इसी सवाल से आगे नहीं बढ़ पाते कि ना शराब, ना सिगरेट, ना उल्टा सीधा भोजन, फिर कैंसर कैसे हो गया। साफ पानी नहीं मिलने के कारण भारत में हर साल 2 लाख लोग मर जाते हैं, ये अपने भारतीय हैं जो मरते हैं। हर दिन साफ पानी के कारण भारत में 547 लोग मर जाते हैं। क्या ये आंकड़े काफी हैं पानी को लेकर कुछ करने के लिए, या अभी हम इंतजार करेंगे कि हर दिन 1000 लोग मर